तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ रैंकिंग टैक्स के बारे में। आपको पता होगा कि अगर आपकी वीडियो में रैंकिंग टैक्स होते हैं तो आपकी वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आते हैं। तो आप अपनी वीडियो के लिए रैंकिंग टैक्स कहाँ से ढूंढ सकते हो? तो अभी मैं सबसे पहले ट्यूबडी ऐप को ओपन करूंगा। तो वहाँ पर आप जब पहुंचोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपकी ये सारी वीडियोज दिखेंगी, किस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं। उसके बाद आपको जिस वीडियो में रैंकिंग टैक्स देखने हो, आपने टैक्स लगाया, वो रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे जानेंगे? तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसको मत करना। तो अभी सबसे पहले हम किसी एक वीडियो को मान लेते हैं। मैंने इतनी सारी वीडियोज अपलोड की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो में 88,155 व्यूज आए हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है रैंकिंग टैक्स की वजह से। तो इसमें मैं बता दूं कि मैंने इस वीडियो में किस ट्रिक से 88,000 व्यूज पाए हैं, तो और इस वीडियो में मेरा कितना वॉच टाइम हुआ होगा। तो अभी सबसे पहले हम इस वीडियो को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो ओपन करेंगे और यहाँ पे टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे टैक्स एक नंबर या दो नंबर पर रैंक कर रहे हैं। तो अगर आपको रैंकिंग टैक्स जानने हैं कि हम कहाँ से लाते हैं, कैसे पता करते हैं कौन सा टैक्स रैंक कर रहा है कौन सा नहीं, तो अगर आपको इस पर फुल डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ट्रिक आपके लिए रैंकिंग टैक्स वाली काफ़ी अच्छी होगी, जिससे आप अच्छे खासे व्यूज पाएंगे। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इस पर फुल डिटेल चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।